पिंकी। पिंकी आप कहाँ के हैं पिंकी? मैं मुरादाबाद। मुरादाबाद, और आपका क्या नाम? अंशु। अच्छा, आप हस्बैंड वाइफ हैं। यस मैम। पिंकी, क्या दिक्कत हो गई थी, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ हमें। मैम वैसे शादी के बाद पता हमें चला कि राइट ओवरी में सिस्टर है। हाँ। कि उसके बाद मैं एलोपैथिक ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते कंसीव, पहले आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 4 साल पहले की बात हो रही है, लगभग 4 साल होने वाले आपके मैरिज को। 2021 में आपको राइट ओवरी में सिस्ट हुआ। यस मैम। आपको फिर वो सर्जरी का एडवाइस दे दिया गया। हाँ, फिर मैं उसके बाद लोगों ने हमें बोला कि आयुर्वेदिक में दिखा लो। मैं 9 मंथ मैंने दवाई खाई थी, कुछ नहीं हुआ मैम उससे। उसके बाद मैम आपके बारे में बच्चों को पता लगा, फिर हम आपके पास आए। उसके बाद मैम ये कंसीव हुआ है। तो मैम आज ये 8 मंथ का है। आज ये 8 मंथ का है। हम उनका वेट कर रहे थे बहुत इंतजार से। इनकी मम्मी पापा आते हैं दवाई लेने, तो बताते रहते थे इनका। मैंने कहा नहीं, उसको बड़ा होने तो अच्छे से हेल्दी होके आए। आप ही से हुआ है। और मैम आपके पूरे 9 मंथ भी आपने मेरा साथ दिया है। कॉल पे हमेशा साथ रही हैं आप, दवाई आपने दी मुझे जी। तो मैम सब कुछ आपके वजह से। नहीं नहीं, पिंकी का क्या हो रहा था, जैसे इन लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू करा था 2022 में, तो शुरू के 2 मंथ्स में ही कंसीव तो ये कर गए थे। हाँ। बट तब तक यूट्रस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो तब एक मिसकैरेज हुआ हमारे साथ ही। फिर उसके बाद फिर हमने फिर रिकवर करके फिर कंसीव हुआ मैम। फिर हाँ। उसके बाद मैम अबॉर्शन हुआ मेरा। फिर अबॉर्शन के बाद फिर आपने यूट्रस को मेरे स्ट्रॉन्ग करके 3 मंथ बाद मैंने कंसीव कर लिया। 3 मंथ बाद फिर ये फिर कंसीव करा, और फिर इनका बेबी बिल्कुल इस समय हेल्दी बेबी, एकदम परफेक्ट बेबी इनका हुआ है, और प्यारा सा बेबी हुआ है बिल्कुल। इस समय 8 मंथ का हो गया है, ये प्यारा प्यारा बेबी लेकर आए हैं। और पिंकी, होम्योपैथी में आपने देखा कि थिंग्स हैपन, कि मतलब ये पहले था कि सर्जरी के बाद ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये इस तरीके के कंसेप्ट थे। लेकिन हम लोगों को ये बताएगा कि 5 साल ट्राई मत करो। हाँ, 5 साल उसको ऑपरेट कराए, उसके बाद भी आप 1.5-2 साल के बाद ट्राई करो, फिर आपकी मतलब उम्मीद चक सकती है। 5 साल तक आपको बेबी करना सोचना ही नहीं है। मैम इतना ज्यादा वो कर रहे थे। मैं फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर मैम जब आप मिली, तो मैम पहले दिन से हम दोनों कहते हैं कि आपने ही बोला, बस एक आप ही थी कि हो जाए, टेंशन की बात नहीं है। तो मैम उससे थोड़ा सा इतना लेस मिलता था कि मैम कह रही है तो हो जाएगा मैम। और हर 15 डेज में यहाँ आना, मुरादाबाद से दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब हर 15 दिन में आना, वो भी जॉब करते हैं, ये भी बेचारी कभी मतलब बीच में थोड़ा ऐसे यूरिन प्रॉब्लम ये सब होती थी, तो वो उतनी तकलीफ में भी आ जाती थी कि नहीं नहीं मेरे को आप सही से मैं समझा दूं अपना। और एक ये जरा मैं इनके लिए कहूँगी, इनका इतना डिटेल में आराम से एकदम ट्रस्ट करके सारे सिम्टम्स, सब माइंडसेट जो भी हम लोगों को क्लिनिकल सिम्टम्स चाहिए होते हैं, तो वो एक विश्वास से सारी चीज़ें करना, कि एकदम पारदर्शिता रखना कि हमें इनके केस टेकिंग भी अच्छे से पकड़ पाऊँ। ये एक पेशेंट का बहुत ज़रा हमें ज़रा सपोर्ट चाहिए होता है, और एक ठीक है एक कॉन्फिडेंस लेवल तो एक चाहिए होता है, पर पेशेंट का भरोसा तो चाहिए होता है, एक पेशेंट का खुद का भी एक विल पावर, खुद की भी एक स्ट्रेंथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और काउंट करती है। हम ये तो हमेशा ये कहते थे जो मैम ने बोला वही हुआ है। जिस दिन हम लोग को पता लगा था ना कि डॉक्टर अभी बोलने के 5 साल टाइम, तो उस दिन शाम को जाके हम लोग मंदिर जाके बैठ गए, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि आपका अभी 5 साल तक हो ही नहीं पाएगा, और आज की डेट में लगभग 3.5 साल हमें हुए हैं, और 8 महीने मैम 3-4 घंटे बैठ के मंदिर में कि हुआ क्या ये हमारे साथ। तो मैम हम लोग आई नहीं थे, फिर काफ़ी लेट आए थे रात में, कि भाई वहीं बैठ गए जाके हम, तब मैम आप मिली हमें, तब हमें उम्मीद मिली। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, और ये प्यारा सा इनका अपने जो शाम है प्यारा सा, मतलब वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारे थे, इन्होंने गॉड भी दिए हैं मुझे, बहुत ही ऑस्पिशियस वे में दिए हैं। ये चाहिए आपको, ये रख लीजिए। इतना एक मतलब वो आपका लव एनर्जी आप मुझे देकर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि जब भी मैं आई आपके पास कि बाबा मैम के रूप में आके ही मेरे सारे दुख खत्म कर देना, तो हमेशा इन्होंने आपके रूप में आके मेरा सब कुछ अच्छा से मेरा लाइफ को करा। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि पिंकी के लिए तो मैं आप ऐसे समझिए कि मैं इस दिन का वेट कर रही थी, लिटरली वेट कर रही थी कि इनका बेबी आएगा और हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे होंगे। एक एक्साइटमेंट होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि
आने दो, होने दो, ये तब प्यारा दिन आने दो, इसका वेट करो। मैं एकदम दिन से ये भी कह रहे चलेंगे चलेंगे, अब टाइम मिला मैम। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे भी था कि बेबी बिल्कुल ठीक रहे, अननेसेसरी बेबी को ट्रेवल ना हो, क्योंकि आप लोग लोकल भी नहीं है, बाहर से आ रहे हैं तो होता ही है। और होम्योपैथी के लिए आपको क्या कहना है, क्योंकि ये सब होम्योपैथी में आपने देखा, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो है ना। होम्योपैथी का हमारा ये है कि अगर इसको कान में भी कोई दिक्कत हो रही है या जुकाम हो रहा है या पेट में दर्द है, तो हम लोग एलोपैथी की जगह आपको ट्राई करते हैं। अगर अगर किसी वजह से हम लोग नहीं भी आ पा रहे हैं तो हम लोग फोन पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास में भी है एक होम्योपैथी का, वहाँ पर एटलीस्ट मैम इतनी मेरे पास अभी भी रखी है, नाम भी समझ नहीं आता, बट इतना पता है कि मैडम ने बोला है, तो बिल्कुल आंख बंद करके उसको भरोसा करना है और जाके उसको दे दिया। क्योंकि वो प्रेगनेंसी में आपको ये थोड़ा साइनस वाला प्रॉब्लम आ गया, कोई नहीं, एक बार वो जरा साइनस वाला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ गया था इधर, नेजल वाला, वो भी आपने, उसके लिए भी जैसे कोई दवाई की वहीं से आपने ले ली थी तो वो ठीक हो गई थी, वो होम्योपैथी से ही हुई थी। मैम ये कंडीशन है कि उन दवाइयों का नाम भी याद है, वो जो आपने इसको दिया था स्पाइस डे लगाई उस नाम है, वो भी याद है मुझे, और दो चार दवाइयाँ, एक बार मेरी आंख में कुछ दिक्कत हो गई, मैं आया था आपके पास, तो वो दवाई मैंने अभी लास्ट टाइम ली हुई थी, मेरे को दिक्कत, तो मैंने आपको फोन भी नहीं किया, मुझे याद था कि वो दवाई मैंने लास्ट टाइम ली थी। मैं गया शॉप पे और दवाई ला और मैंने पी और दो दिन में खत्म, तो दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पेशेंट को खुद ही एक एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी बॉडी में। और ये मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी की प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जैसे होम्योपैथी के लिए जैसे होता है कि ये साइंस है या नहीं, ये क्या है, मरीज बोल रहा है कि मेरे को तकलीफ है, मैंने खाई दो दिन में ठीक हुई, आप बोल रही हो मुझे कोई तकलीफ है, आपकी पैथी कह रही है कि बेबी नहीं हो सकता है और हमारा हेल्दी बेबी यहाँ बैठा है, तो होम्योपैथी में कहीं ना कहीं उसको रूट कॉज को स्ट्रॉन्ग करके। 5 साल के लिए मैम जब मना किया था तब बहुत मतलब वो कंडीशन भी बहुत नहीं नहीं, पेरेंट्स के लिए और आप बेबी चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो एक चाहता है कोई भी पेरेंट, तो उसके लिए होता है कि अब वो बेबी अगर हम चाह रहे हैं तो उसको एकदम बोल दे कुछ भी निगेटिव, और ये प्यारे प्यारे शब्द तुम देख लो, जो शब्द देख रहे हैं ठीक। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आपको बहुत बहुत बधाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पिंकी के लिए, मैं बहुत दिल से खुश हूँ, क्योंकि ये जब परेशान होती तो मुझे भी टेंशन हो जाती थी कैसे होगा क्या होगा, बट विल पावर ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर खुद की बहुत पॉजिटिविटी थी, आपको उसे पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है वो आपका कर्म है, लेकिन ये लड़की में खुद ही बहुत पॉजिटिविटी थी, पर मैं नेगेटिव तो मैं हुई, मैं आपने साथ दिया बहुत, उस वजह से मैं वो ठीक है। एक्चुअली जब कभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो एक जनरल नेगेटिविटी ऑब्वियसली होती है, वो आ ही जाएगी है ना, लेकिन ठीक है, ये नहीं कि हम ये बात लेकर ही बैठ जाए, आगे प्रयास ही ना करें, होता है और ऐसी पॉजिटिव आपका नन्ना मुन्ना हुआ है प्यारा सा बेबी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, ये आपकी वजह से ही है मैम, थैंक यू सो मच तो देखो ठीक है।